हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। लास्ट क्लास में हमने लॉस पढ़े थे और मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अजॉटमेंट। तो पहले हम बात करते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। अब देखो, यहाँ पर बोल रहे हैं डाई, तो यानी यहाँ पर दो हाइब्रिड बनेंगे, यानी कि यहाँ पर इस क्रॉस में दो जीन्स इन्वॉल्व होंगे। अब जब दो जीन्स इन्वॉल्व होंगे तो यहाँ पर जो F1 हाइब्रिड बनेगा उसमें भी दो एलीलिक पेयर्स बनेंगे, है ना। तो जब दो एलीलिक पेयर्स जिस क्रॉस में बनते हैं उस तरह के क्रॉस को हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो एक बार इसका स्टेटमेंट क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। इट इज़ अ क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विच इज़ मेड टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर्स ऑफ एलील्स। जब कभी भी हमें दो पेयर्स ऑफ एलील्स का स्टडी करना होता है उस केस में हम दो डिफरेंट जीन्स लेते हैं, और इस टाइप का जब हम क्रॉस करवाते हैं तो उसको हम बोलते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो अब मेंडल ने जब डाईहाइब्रिड क्रॉस किया था तब यहाँ पर दो कैरेक्टर्स लिए थे। पहला कैरेक्टर लिया था कलर का, और जो दूसरा कैरेक्टर लिया था वो था शेप, ठीक है। तो जो कलर का कैरेक्टर लिया था उसमें यहाँ पर कौन सा ट्रेट लिया था? एक लिया था येलो और ग्रीन, येलो और ग्रीन। तो येलो जो कैपिटल वाई है, येलो वो डोमिनेंट था, और स्मॉल वाई जो था यानी ग्रीन वो रिसेसिव था। वहीं पर शेप की बात करें तो एक लिया था राउंड और दूसरी शेप ली थी रिंकल्ड। इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, यानी ये रिसेसिव कैरेक्टर है। तो अब हम इसका क्रॉस बनाते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। प्योर कैरेक्टर लिए थे कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ये क्या हुआ? राउंड और येलो, राउंड और येलो क्रॉस करवा दिया किसके बीच में? रिंकल्ड और ग्रीन के बीच में, ठीक है, रिंकल्ड और ग्रीन। तो यहां पर क्या हुआ? गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ। ये हमारे पास गैमेट्स आ गए, ये जी नहीं है ये वाई है, गैमेट्स बन गए। अब इसके बाद क्या हुआ? F1 हाइब्रिड जो है वो आया हमारे पास यहां पर। F1 हाइब्रिड क्या है? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये आ गया हमारा F1 जनरेशन, F1 जनरेशन हमारे पास आ गई। अब यहां पर F1 जनरेशन के बाद क्या करेंगे हम? यहां पर करवाएंगे क्या? सेल्फिंग, ओके। ये एक सेल्फिंग करवा दी और इस तरह से F2 जनरेशन हमें मिल गई। अब इस F2 जनरेशन में हमें अब क्या देखना है कि कौन कौन से कॉम्बिनेशंस फॉर्म हुए, ओके। तो जब हमने F2 जनरेशन करवाई तो यहाँ पर हमारे पास 16 प्लांट्स फॉर्म हो रहे थे। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन सा राउंड येलो था, कौन सा रिंकल्ड ग्रीन था, कौन सा राउंड ग्रीन ग्रीन था, इस तरह से हम देखते हैं। अब तो पहला जो है ये वाला होगा जिसमें, यानी जैसे ये देख रहे हैं हम राउंड येलो, ये एक ही ऐसा कॉम्बिनेशन सिर्फ एक था जीनोटिपिकली, ओके। फिर उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे हमारे पास चार कॉम्बिनेशन फॉर्म हुए, यानी कि राउंड और येलो। उसके बाद कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे दो कॉम्बिनेशन फॉर्म हुए। फिर उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ऐसे भी दो कॉम्बिनेशन फॉर्म हुए। फिर उसके बाद हमारे पास आया यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई, ऐसा सिर्फ एक कॉम्बिनेशन फॉर्म हुआ। फिर उसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आई, इस तरह के भी दो कॉम्बिनेशंस बने। स्मॉल आर कैपिटल वाई ऐसा एक कॉम्बिनेशन, और कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल वाई, ऐसे दो बनेंगे। और लास्ट में हमारा जो है ये बनेगा प्योर कैरेक्टर विच इज रिंकल्ड ग्रीन, ऐसा सिर्फ एक बनेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फिनोटिपिक रेशो क्या आएगी, यानी कितने सारे प्लांट्स राउंड और येलो हैं, ओके, कितने सारे राउंड और ग्रीन हैं, कितने सारे रिंकल्ड येलो हैं, ये सारे अब हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं अब कितने सारे प्लांट्स जो है वो राउंड येलो हैं, यानी एक ये है एक ये है, यानी हमारे चार और चार आठ, ठीक है, और एक ये टोटल हो गए 9। तो 9 प्लांट्स हमारे पास कैसे हैं? राउंड और येलो, ओके। दूसरा ये है नेक्स्ट राउंड और ग्रीन, तो ऐसा एक ये है और राउंड कौन सा है? हाँ एक ये है, ठीक है, तो एक ये और एक ये, तो ऐसे हो गए 3। फिर उसके बाद रिंकल्ड और येलो, दो ये हैं और एक, हाँ एक ये कॉम्बिनेशन यानी ये दोनों, तो ये आ गए 3, ऐसे 3 हैं, और एक जो है हमारा प्योर यानी कि रिंकल्ड और ग्रीन, ऐसा जो है वो एक ही है। तो इस तरह से अगर हम बात करें फिनोटिपिक रेशो इन केस ऑफ F2 जनरेशन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्या निकल के आएगी? 9:3:3
3:1, ओके, ये आपको ध्यान रखनी है, फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर जीनोटिपिक रेशियो डाई हाइब्रिड क्रॉस की क्या होगी, ठीक है। अब देखो इसमें जीनोटिपिक रेशियो अगर हमें निकालनी है तो इसमें जो बहुत ही इजी तरीका है वो ये है कि अगर हमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस की जीनोटिपिक रेशियो पता है तो हम बहुत ही आसानी से जो है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस की निकाल लेंगे। तो आपको ध्यान होना चाहिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस की जीनोटिपिक रेशियो क्या थी, 1:2:1, ओके। तो 1:2:1 इसको बस अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बस, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, ओके, 1 1 जा 1, ओके, देन 2 1 जा 2, यहाँ पर 2 2 जा 4, ओके, देन 2 1 जा 2, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 1 देन 2 देन 1, ये आ गई हमारे पास क्या, डायहाइब्रिड क्रॉस की जीनोटिपिक रेशियो, यानी क्या आ रहा है, 1:2, 2:1, 2:4:2, 1:2:1, ये आपको रेशो ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर से लिख देती हूँ क्लियरली यहाँ पर, 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1, ये है डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी 1:1 स्टार्टिंग में, लास्ट में 1:1 और बीच में आ गया 2:4:2, इस तरह से आप याद रख सकते हो, 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1, बस ये आ गई डाई हाइब्रिड क्रॉस की जीनोटिपिक रेशियो। नहीं तो आपको याद करना हो तो जैसे हमने ये वाले कॉम्बिनेशंस देखे थे, एक्चुअल में तो यही है ना, हमें पता होना चाहिए कि जीनोटिपिकली कौन सा राउंड येलो है, कौन सा जो है वो राउंड ग्रीन है, कौन सा जो है वो रिंकल्ड ग्रीन है, बस ये अगर हमें जीनोटिपिकली पता है तो भी हम लिख सकते हैं, बट बेस्ट वे क्या है कि हम सिंपली मल्टीप्लाई कर दे तो हमसे निकल जाती है। तो अगर हम ऐसे ध्यान रख ले 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1, ओके। अगर यहाँ पर देखो एक और चीज़ है, अगर हमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस की जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशो पता है तो हम इजीली डाई हाइब्रिड क्रॉस की भी फिनोटिपिक रेशो निकाल सकते हैं। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस की फिनोटिपिक रेशो क्या थी, 3:1, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस की थी। तो यहाँ पर भी हम सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है, 3:1 को, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर क्या आएगा, 1:3:3 और 9, सो 9:3:3:1, यही हमने अभी निकाली, ठीक है। तो चाहे आप इस तरह से निकाल लो चाहे आप वैसे निकाल लो, तो बिल्कुल इस ऐसे करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट निकल के आती है, ओके। उसमें हो सकता है कि थोड़ी बहुत गलती हो जाए, बट ऐसे जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगी, ओके। अब जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है ये हमने देखा, इसमें देखा कि क्या जीनोटिपिक रेशियो है, क्या फिनोटिपिक रेशियो है, ठीक है, और क्या है डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब इसके बेस पे मेंडल ने एक और लॉ दिया था जो क्या है, इंडिपेंडेंट अजॉटमेंट। तो जो हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अजॉटमेंट है इसका स्टेटमेंट हम पहले पढ़ते हैं, क्या कहता है, व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेट आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, ठीक है। हमने क्या देखा था कि जो F1 हाइब्रिड था वो क्या बन रहा था, कैपिटल R स्मॉल R कैपिटल Y स्मॉल Y, ठीक है, यानी दो जीन्स इन्वॉल्व थे, एक कलर का जीन और दूसरा कलर का जीन और दूसरा शेप का जीन, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये जो F1 हाइब्रिड बन रहा है इसमें ये क्या बोल रहा है, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं इस वाले पेयर को हम ले रहे हैं, कैपिटल R स्मॉल R को, ठीक है, इस पेयर को हम ले रहे हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि ये दोनों जो एलील्स हैं, है ना, इन दोनों का सेपरेशन जो है जब गैमेट फॉर्म होंगे ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड बिल्कुल नहीं करेगा, ये इंडिपेंडेंट रहेगा। कैसे रहेगा इंडिपेंडेंट, कि ये जो कैपिटल R है इसके चांसेस 50% जो हैं वो कैपिटल वाई के साथ भी गैमेट फॉर्मेशन के हैं, इसके चांसेस कैपिटल आर के स्मॉल वाई के साथ भी 50% है, और इसी तरह से जो स्मॉल आर है इसके चांसेस कैपिटल वाई के साथ गैमेट फॉर्मेशन के 50% है और स्मॉल वाई के साथ भी 50% है। तो यानी ये आपस में दोनों जो है ये इंडिपेंडेंट है, ओके, यानी चारों अलील्स जो है वो आपस में इंडिपेंडेंट है। यानी हमने या तो एक पेयर समझाया, ऐसे ही हम इस वाले पेयर को भी समझ सकते हैं कि ये दोनों जो है ये भी आपस में इंडिपेंडेंट है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, चार टाइप के गैमेट्स बन रहे हैं, 4 types of gametes जो है वो बनेंगे। तो यानी अलग अलग चारों तरह के गैमेट्स हैं, तो यानी कितनी फ्रिक्वेंसी होगी, 1/4 और वी कैन से 25%, है ना, 25% फ्रीक्वेंसी इसकी है, इसकी है, इसकी है और इसकी है, क्योंकि चारों ही अलग तरीके से, यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अजॉटमेंट, ओके। तो इसमें आपको बस ध्यान रखना है कि ये क्या कह रहा है, कि यहाँ पर जो हमारा हाइब्रिड बनेगा उसमें दो जीन्स हमने लिए हैं, ओके, और उनके जो एलील्स हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। कब हो जाते हैं, जब गैमेट फॉर्मेशन होती है, यानी वो
दूसरे एलील्स के साथ भी उतना ही 50% बना सकते हैं गैमेट, और दूसरे के साथ भी 50-50% बनाने के उनके चांसेस रहते हैं। तो यानी हमारे पास चार अलग तरह के गैमेट्स बनेंगे, यानी उनकी फ्रीक्वेंसी होगी कितनी, 1/4 और 25%। तो यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है? सो आज में हम इतना ही रखते हैं।